विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों को हर घर द्वार पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है तथा इसके लिए स्कूल भवनों के निर्माण पर करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। राजकीय उच्च पाठशाला बाड़ी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि की शिरकत करने के बाद बच्चों को संबोधित करते हुए कहे, उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि वह जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। उन्होंने कहा कि अध्यापक तथा अभिभावक परस्पर तालमेल से बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें तथा नशा तथा अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने अध्यापकों से भी आह्वान किया कि वह प्रत्येक बच्चे के भीतर छुपी प्रतिभा की पहचान कर पढ़ाई के साथ साथ अन्य स्कूली गतिविधियों में भी उनकी सहभागिता को सुनिश्चित बनाएं। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि ने मेधावी बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 6,000 रूपए देने की घोषणा की। उन्होंने स्कूल की चारद्वारी निर्माण के लिए 1,50,000 रूपए की राशि भी स्वीकृत की। इससे पहले स्कूल की मुख्य अध्यापिका इंदुबाला ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी।